दोस्तों ये है सैमसंग क्रिस्टल विजन और इस वीडियो में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और एक इनडेप्थ रिव्यू और आपको बताएंगे दैट ये टीवी कैसा परफॉर्म की है, इसके आईओटी सेंसर्स कैसे हैं और क्या क्या इसमें फीचर्स हैं जो इस टीवी को बाकी टीवी से अलग बनाता है। दोस्तों बेसिकली कहें तो ये सैमसंग का CUE 70 है, CUE 60 से अपडेटेड मॉडल, जिसमें कुछ फीचर्स को अपडेट कर दिया गया है, जैसे कि पिक्चर क्वालिटी, थोड़े से IoT सेंसर्स जोड़ दिए हैं, जैसे लाइट सेंसर या आपके जो स्लिम फैट का कैमरा है उसे एक कैमरा सेंसर की तरह ले लेता है, और ये एक पतला सा स्मार्ट रिमोट जो कि सोलर वाला है, बहुत ही छोटा रिमोट है जिसमें टाइप सी का पोर्ट भी दिया गया है, आप इसे टाइप सी से चार्ज भी कर सकते हैं। थोड़े बहुत इसी फीचर्स की वजह से ये टीवी लेने लायक बन जाता है। 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच और भी साइज में आता है। यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस टीवी को डायरेक्टली खरीद सकते हैं। वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, 55 इंच टीवी को उठाने में बहुत दिक्कत लगती है, मेरी उंगली भी टूटी हुई है उसके बाद भी उठा रहा हूं मैं। तो आपसे उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आप हमारे चैनल पर लगे सब्सक्राइब कर दो। मैं 2 सेकंड का वेट करता हूँ, तब तक आपको बताता हूँ कि इंस्टाग्राम, ट्विटर तो अब एक्स हो गया है, इंस्टाग्राम, एक्स, थ्रेड्स और व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी जाकर बता सकते हो। वैसे कोई भी सवाल ले जाए तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर देना। फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं, फिर आपको बाकी के फीचर्स के बारे में बताएंगे। लेट्स डायरेक्टली जंप टू द अनबॉक्सिंग पार्ट। दोस्तों इनबॉक्स एक्सेसरीज की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलते हैं स्टैंड। ये स्टैंड बिना स्क्रूज के टीवी में घुस जाते हैं, जो कि बहुत इजी तरीका रहता है टीवी में स्टैंड लगाने का। इसके साथ साथ ये बहुत ही अच्छे मटेरियल से बनाए गए हैं। कुछ आपको ओपनिंग इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं जिससे कि आप टीवी को कैसे खोलना है, कैसे नहीं खोलना है वगैरह वगैरह। टीवी को पावर देने के लिए एक DC पावर कोड, रिमोट को यूज़ करने के इंस्ट्रक्शंस दोस्तों, और मिल जाता है आपको एक रिमोट। ये रिमोट ऑब्वियसली एक सोलर रिमोट है जो उनका नया वाला टॉप मॉडल में तो ये देंगे ही ना। तो ये सोलर रिमोट ऑब्वियसली आपके रूम में जो लाइट है उसे चार्ज हो जाता है। उसके साथ साथ ही बहुत छोटा रिमोट है, बहुत हैंडी रिमोट है, मतलब फायर टीवी और जो स्टिक्स के रिमोट आते हैं स्ट्रीमिंग स्टिक्स के, उतने तरह बड़ा रिमोट है। 4 हॉटकीज़ में आपको इसमें मिल जाती है, नेटफ्लिक्स, सैमसंग टीवी प्लस, डिजनी प्लस, हॉटस्टार और प्राइम वीडियो की। इसके साथ साथ इसमें ऊपर वॉइस का बटन भी दिख रहा है आपको। इस वॉइस के बटन से आप एलेक्सा, गूगल जो भी है, बिक्सबी सबको यूज़ कर पाओगे। जो वॉल्यूम प्लस माइनस का बटन होता है इसमें से ऊपर नीचे करने वाला होता है, मतलब एक व्हील सा होता है, इसको नीचे करोगे तो वॉल्यूम माइनस, ऊपर करोगे तो प्लम, ऐसे ही चैनल का होता है। इस रिमोट से आप अपने सेटअप बॉक्स के चैनल्स को भी कंट्रोल कर सकते हो बाई चैनल प्लस माइनस इससे, या फिर इस डायरेक्टली नंबर बटन को दबा के भी डायरेक्ट किसी चैनल नंबर पर जा सकते हो। एक मिलेगा आपको यूजर मैनुअल और फाइनली एक वारंटी कार्ड, और अगर फॉर सम रीजन अगर आप एंटीना यूज कर रहे हैं तो एंटीना का एक कन्वर्टर। दोस्तों अनबॉक्सिंग हो गई, आई होप आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। इसकी आपको 1 साल की वारंटी मिलती है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग इंडिया की वारंटी बहुत अच्छी होती है, बट आप उसे 4 साल तक और एक्सटेंड कर सकते हो। 1+4=5, 5 साल तक एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप चुनेंगे गो वारंटी। गो वारंटी इज अ वारंटी एक्सटेंशन सर्विस जो सीरियसली 5 साल तक आपको टेंशन फ्री सर्विस देती है। टीवी की वारंटी 5 साल तक हो जाती है एंड गो वारंटी विल हैंडल ऑल द थिंग्स। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, यू जस्ट हैव टू कॉल गो वारंटी एंड गो वारंटी विल कम टू योर होम एंड फिक्स योर डिवाइस, और अगर ठीक नहीं होता है तो यू विल गेट अ फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट। ये बेस्ट चीज़ है इनकी। ये सिर्फ और सिर्फ टीवी के नहीं, मोबाइल फ़ोन, AC, रूम हीटर सब चीज़ की वारंटी एक्सटेंड करके देते हैं। एंड प्लीज़ इसे 100-200 रुपये वाली सस्ती वारंटी मत समझना, ये बहुत ही ज़्यादा आफ्टर सेल सर्विस पर ध्यान देने वाली वारंटी है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, पोर्ट्स के बारे में बताएंगे, रिमोट के बारे में बताएंगे, डिज़ाइन के बारे में बताएंगे, इसके अलावा ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, यूजर इंटरफेस, HDR एक्सपीरियंस, नेटफ्लिक्स सब चीज़ अब आपको लाइन से बता देते हैं, उसके बाद डायरेक्टली लास्ट। दोस्तों पोर्ट्स की बात करें इस टीवी में, सबसे पहले तो आपको एक NT9 का पोर्ट मिल जाता है, उसके ऊपर HDMI 1, 2, 3 तीसरा वाला जो पोर्ट है वो EAC को सपोर्ट करता है, जिससे आप अपने हाई डेफिनेशन के Dolby Atmos सपोर्टेड साउंड बार्स वगैरह भी लगा सकते हैं। एक SPDIF का आउट पोर्ट मिल जाता है, ये भी ऑडियो आउट का पोर्ट है। एक USB मिलता है, एक USB, इसमें दूसरा USB देखने को नहीं मिलता है। उसके ऊपर आपको पावर इन का पोर्ट मिल जाता है, जिससे बेसिकली आप इस टीवी को पावर देंगे और आपका काम बाकी का सेट होगा, जिससे आप इस टीवी को पावर देंगे और आपकी टीवी स्टार्ट होगी। लेट्स हैव सम पील्स।
यहाँ पर मैंने टीवी को सेटअप कर लिया है। हम पावर का बटन दबा के इस टीवी को स्टार्ट कर लेते हैं, सैमसंग के 55 क्रिस्टल विजन टीवी को। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर सोलर नहीं है, चार्ज नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आपको एक टाइप सी का पोर्ट भी मिल जाता है। इस टाइप सी के पोर्ट के जरिए आप इस रिमोट को चार्ज कर सकते हैं अपने फ़ोन के चार्जर या किसी भी चार्जर से जो कि टाइप सी सपोर्ट करता है। टीवी को सैमसंग टीवी सेटअप करने को आपको दो चीज़ें याद में रखनी होती हैं कि आपको सैमसंग का अकाउंट चाहिए होता है और वाईफाई चाहिए होता है। आप अपने स्मार्ट थिंग्स के ऐप्स के जरिए इसको बहुत जल्दी और बेटर तरीके से सेटअप कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप स्मार्टफोन तरीके से ही सेटअप करें। मैं फटाफट से इस टीवी को सेटअप करता हूं, इस QR को स्कैन करके, और फटाफट से आपसे नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो सब ऐप्स में लॉगिन करने के बाद आपसे मिलता हूं। अगर कॉर्नर में यहां पे एक लाइट दिख रही है तो वो मेरी लाइट है, वो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, टेंशन ना लीजिए, टीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, सैमसंग का ये टीवी मैंने यहाँ पर सेटअप कर लिया है और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि जो सबसे पहले तो इसकी जो सेटिंग आई है, वो सेटिंग इसमें जो आई है वो इको मोड पर आई है पिक्चर की, तो इसको आप डायनेमिक मोड पर सेट कर लें। मैं तो कर ली है, आप भी कर लें। इसमें डायनेमिक और भी मोड मिल जाते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड, इसके बाद इको, मूवी, फिल्म मेकर एंड डायनेमिक, फिर से अभी स्टैंडर्ड। मैं इसे डायनेमिक पर रखना चाहता हूँ बिकॉज डायनेमिक इज़ द मोस्ट कलरफुल चॉइस और थोड़ा सा कूलर टोन्स में रहता है डायनेमिक वाला मोड, और मुझे कूलर टोन्स वो पसंद है। बाकी थोड़ा सा और डीप डाउन सेटिंग आप जाना चाहें तो पिक्चर सेटअप में जाके ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट या फिर कलर्स, शार्पनेस, टिंट, सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ डिवाइसेज आ जाएगी सेटिंग। साउंड मोड में भी स्टैंडर्ड, एडेप्टिव साउंड एंड एम्पलीफाई के तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद वाईफाई वगैरह की सेटिंग्स हैं, और सेटिंग्स में आप डीप डाउन जाएंगे तो बहुत सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। कनेक्टेड डिवाइस में बताता हूँ मैं, जैसे स्मार्ट थिंग्स आ रहा है, टीवी, कैमरा एक्सपीरियंस, वर्कस्पेस, कनेक्शन, ये तो दो चार चीज़ें हो रहा है। यूनिवर्सल रिमोट से बताते हैं, उल्टे से शुरू करते हैं। यूनिवर्सल सेटअप रिमोट सेटअप इज बेसिकली अगर आपने कुछ HDMI का डिवाइस कनेक्ट करके रखा है, कोई सेट टॉप बॉक्स, कोई एम्पलीफायर या फिर एनीथिंग एल्स, यू कैन कंट्रोल दैट डिवाइस विद द सैमसंग रिमोट। यस, इस छोटकू से क्यूट से रिमोट से ही आप कर सकते हो सब कुछ, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा रिमोट है, ठीक है। बाकी और बात करें तो इसमें आपको कनेक्शन गाइड मिल जाता है। अगर आपको कुछ डिवाइस कनेक्ट करना है, कोई ऑडियो डिवाइस, कोई वीडियो डिवाइस या फिर कुछ भी इनपुट डिवाइस, USB का कैमरा, स्मार्टफोन, और आपको नहीं पता कि कैसे करना है, आप जस्ट इसमें जाइए और इसमें पूरा खोल लीजिए, वो पूरा का पूरा तरीका बता देगा कि कैसे आपको कनेक्ट करना है। जैसे USB कैमरा है तो उसमें पूरा बता रहा है कि आप अपने ये कैमरा को कनेक्ट कर सकते हैं, आप USB केबल लगाएं, पूरा फोटो वोटो के साथ सब कुछ बना जाएगा। तो एक गाइड भी ज़रूरी है TVs में, और ये सैमसंग का OS मुझे हमेशा से फास्ट और फ्लूड इसीलिए लगता है कि भैया चीज़ वो अच्छी ही देते हैं, एंड आई लव सैमसंग फॉर दिस। सैमसंग के TV इसीलिए अच्छे कहे जाते हैं। दूसरा मिल जाता है इसमें आपको वर्क स्पेस का ऑप्शन, मतलब अगर आप अपने किसी मैक को या फिर किसी विंडोज़ PC को इसमें कास्ट करना चाहते हैं या फिर अपने कुछ सैमसंग डेस्क सपोर्टेड डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे तो इसमें सीधे यूज़ कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट 365 का वेब सर्विस भी मिल जाएगी, कुछ और वेब सर्विसेज भी आप इसमें ऐड कर सकते हो बेझिझक तरीके से इजीली। इसके बाद मिलता है कैमरा एक्सपीरियंस। सैमसंग स्लिम फिट कैमरा मैंने इससे फ़िलहाल कनेक्ट किया हुआ है, एंड इग्नोर द मैसीनेस जो बैकग्राउंड में आपको देखने वाली है, पर हाँ, इसमें आप लॉजिटेक के भी कुछ कैमरा जो कि सपोर्टेड हैं, जो अभी लिखे आ रहे थे, वो सब भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई कैमरा नहीं है तो आप डायरेक्टली अपने फ़ोन के कैमरा को इसमें डायरेक्टली कास्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या हो रहा है, कितना मैसीनेस हो रखी है पीछे, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमें कैमरा का एक्सपीरियंस दिखा रहा था। ऑब्वियसली इसके जरिए आप गूगल मीट से अपने चाहने वालों से या फिर अपने मित्रों से सबसे बात कर सकते हो, एंड वीडियो कॉलिंग पर कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब इस कैमरा के बाद जो लास्ट चीज़ है वो है सैमसंग टीवी प्लस। सैमसंग टीवी प्लस इज बेसिकली बहुत सारे कुछ फ्री चैनल्स, जैसे मूवी क्लब पे कोई 8x10 तस्वीर, अक्षय कुमार मूवी आ रही थी, ये फ्री में देख सकते हो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये मिलता है स्मार्ट थिंग्स। स्मार्ट थिंग्स के ऐप में जितने भी मेरे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सारे डिवाइस मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। कुछ मैंने ऑटोमेशंस क्रिएट कर रखी हैं, जैसे टाटा स्काई वगैरह, अगर TV स्टार्ट होती है तो सबसे पहले HDMI 1 पे लग जाएगा, मतलब टाटा स्काई पे लग जाएगा। सैमसंग में फ्रेम TV को मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपनी मोटर को कंट्रोल कर सकता हूँ, अगर मुझे पानी भरना है टंकी में, यहाँ से मोटर को ऑन कर दूंगा। टेम्परेचर सेंसर ये सब डिसकनेक्टेड है फिलहाल, लेकिन चार्जिंग वाला ये सॉकेट कनेक्टेड है, मैं इसको दबाऊंगा तो चार्जिंग चालू हो जाएगी मेरे फ़ोन की। सैमसंग 15 ऑफ है फिलहाल। Bixby के वॉइस कंट्रोल हिंट भी मिलेंगे आपको। ये जो फिलहाल वॉइस बटन है वो मैंने अलेक्सा पे सेट कर रखा है, एंड लेट मी जस्ट शो यू अ डेमो। अभी जैसे ही मैंने वॉइस का बटन दबाया तो इसमें बाकायदा बोलने लगा कि आपको वॉइस पहली बार आप जब सेट करेंगे तो इसमें पूछेगा कि आप Bixby यूज़ करना चाहते हैं या अलेक्सा यूज़ करना चाहते हैं।
मैं एलेक्सा पर सेट करता हूँ क्योंकि एलेक्सा थोड़ा सा फास्ट रहता है, आप इसको स्कैन करके आप एलेक्सा से कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने कर रखा था लेकिन ये टीवी फिर से मैंने रीसेट किया था फॉर सम रीज़न, तो इसलिए वो हट गया है, बट ईजिली काम करेगा एंड आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वापस स्मार्ट थिंग्स पे आते हैं, तो इसमें मैप व्यू भी है। मैप व्यू में मतलब आप अपने जो डिवाइसेज हैं उनको एक मैप की तरह देख सकते हो। अभी मैंने बिल लिंक किया है लेकिन कहाँ कहाँ कौन सी जगह पर मेरा डिवाइस है वो सब है। इसके बाद ऑटोमेशंस भी हैं जो आप सेट कर सकते हो, जैसे जब भी टीवी स्टार्ट होगी तो चैनल 900 लग जाएगा सबसे पहले, और एवरीडे 11:47 पे मेरी टीवी ऑन कर दो, या फिर टाटा स्काई ऐड स्टार्ट, जो भी है जब भी टीवी स्टार्ट होगी तो टाटा स्काई ऑटोमेटिक लग जाएगा, ये सब चीज़ें आप सेट कर सकते हो। अब जो मेन चीज़ है ना, जिस चीज़ पे लोग टीवी को बेच रहे हैं, वो है इनके सेंसर्स वाली बात, कि जो टीवी के कुछ सेंसर्स हैं क्या आप उनको यूज़ कर पाओगे एज इन मतलब एज IoT devices। अब इसमें सेंसर लगा हुआ है, लाइट सेंसर। इस लाइट सेंसर के जरिए टीवी की ब्राइटनेस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया जा सकता है, और इस ब्राइटनेस के जरिए आप अपने रूम की लाइट्स वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हो। बट अभी वो फीचर तो इसमें है, सेंसर तो लगा हुआ है, ऐसे ही कैमरा का सेंसर भी बोला था। अगर आप सैमसंग स्लिप मिट कैमरा कनेक्ट करेंगे तो रूम में कोई आएगा तो ऑटोमेटिकली लाइट जल जाएंगी, या फिर मोशन डिटेक्ट कर लेगा, टीवी स्टार्ट हो जाएगी। वो सब सेटिंग आपको स्मार्ट थिंग्स के ऐप में करनी पड़ेगी, और अभी फिलहाल वो स्मार्ट थिंग्स के ऐप में वो डिवाइसेस नहीं दिखा रहे हैं, बट आई होप भविष्य में दिखा देंगे। अभी जस्ट लेटेस्ट रिलीज टीवी, अभी शायद यूनिट अभी पहुंची भी नहीं लोगों के पास, तो एक दो दिन में चीज़ें भी अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। बट हाँ, ये सब आप इजीली कर सकते हो, ऑल डिवाइस ऑटोमेशंस भी आप देख पाएंगे। ठीक है, यूजर इंटरफेस बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा आप एप्स के बारे में आते हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, एप्पल टीवी, यूट्यूब, अलेक्सा, ग्लैंस टीवी, इसके बाद जियो सिनेमा, सैमसंग एक्सपीरियंस प्लस, बिक्सबी, इंटरनेट गैलरी, और ये सब ऐप्स मिल जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐप्स आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। जी हाँ, सैमसंग का एक खुद का ऐप स्टोर है, सैमसंग टीवी स्टोर, उसमें आपको ढेर सारे सभी पॉपुलर ऐप्स ईजिली मिल जाएंगे, जैसे कि Z5 है, सोनी लिव है, गाना है, आज तक है, फीफा है, या फिर जो भी आपको दिख रहे हैं, कुछ छोटे मोटे गेम्स भी आपको मिल जाएंगे जो आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो एंड उनको यूज़ करना चालू कर सकते हो। आपको सन नेक्स्ट भी है, गैलरी है, MX Player TV, गूगल मीट, बहुत सारे, वूट, ग्लांस, देयर आर सो मेनी, आई कैन नॉट नेम इट ऑल इन दिस वीडियो। बट हाँ, NXM जैसे कुछ फ्री टीवी के चैनल सैमसंग टीवी प्लस पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई सिंपल एंड फ्लूइड बात। जो बेस्ट चीज़ है, नेटफ्लिक्स का बटन दबाओगे, नेटफ्लिक्स आपका स्टार्ट हो जाएगा विद इन 5 to 7 सेकेंड। प्राइम वीडियो का बटन दबाओगे, प्राइम वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने प्राइम वीडियो में लॉग इन नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुत फास्ट रहता है सैमसंग टीवी का एक्सपीरियंस। पिक्चर क्वालिटी ऑब्वियसली थोड़ी बहुत अपस्केलिंग में मिल रही थी जब मैंने पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट किया। आगे आपको मैं वो भी दिखाने वाला हूँ, बेफिक्र रही उस चीज़ के लिए। मैंने SDR की टेस्टिंग भी करी है, वो भी आपको लास्ट में दिखाऊंगा। मैंने पहले पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट कर लिया था, बिकॉज यूजर इंटरफेस को मैं बाद में देखना चाहता था, पहले मैं पिक्चर क्वालिटी को चेक करना चाहता था। बाकी मीडिया का ऑप्शन भी आ जाएगा, USB आप इसमें कनेक्ट कर लेंगे तो कैमरा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कैमरा कनेक्ट कर लेंगे तो USB कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक ही USB का पोर्ट मिलता है। तो ये था पूरा यूज़र इंटरफेस जो कि इसमें दिया गया है, एंड इट्स वेरी गुड। कुछ आपको कंटेंट सजेशंस भी मिल जाते हैं, जैसे फ्री न्यूज़ के चैनल नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आई हुई है, ये मूवी आई हुई है, कोहरा आई हुई है, आपको देखनी है, डायरेक्ट क्लिक करो, डायरेक्ट नेटफ्लिक्स खुल जाएगा और प्ले हो जाएगी मूवी। आपको नेटफ्लिक्स खोल के सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइम वीडियो का कंटेंट ऐसे फर्जी है तो आपको प्राइम वीडियो खोल के फर्जी सर्च नहीं करना है, फर्जी यहीं पे क्लिक कर दीजिए, आपको सीधा लग जाएगा। कुछ और ऐप से भी कंटेंट इसमें निकल के आता है, जैसे कि सोनी लिव वगैरह, वो सब अभी ऐप्स मैंने इसमें इंस्टॉल नहीं किए हैं। अगर इंस्टॉल किए होते तो वहाँ का भी कंटेंट ये बाहर निकाल के दिखाता। इट्स अ कंटेंट गाइड, इट्स अ गुड कंटेंट गाइड, बट आई विल से देयर आर सो मेनी मोर थिंग्स टू दिस। अब स्मार्ट थिंग्स के ऐप में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि अपने फ़ोन के जरिए आप इस टीवी को कनेक्ट कर सकते हो, फ़ोन की आवाज़ को इसके एज ए स्पीकर यूज़ कर सकते हो, या फिर टीवी की आवाज़ को फ़ोन में ला सकते हो, एंड बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, मिरर स्क्रीन कर सकते हो। सैमसंग के कुछ हाई एंड टीवीज़ में तो टीवी की स्क्रीन को फ़ोन में कास्ट करने का भी सिस्टम होता है, वो तो अलग ही है। बाकी टैप टू व्यू फीचर मिल जाएगा, जैसे ही आप स्क्रीन में यहाँ पर टैप करोगे अपने फ़ोन को, वो टैप हो जाए, मतलब फ़ोन की स्क्रीन टीवी में मिरर होना स्टार्ट हो जाएगी। देयर आर सो मेनी फीचर्स, बट बस बहुत हो गया। अब जितना बाकी सब जानना है तो आप कमेंट, थ्रेड्स, इंस्टाग्राम वगैरह पे मेरे को फॉलो कर लेना, क्वेश्चन पूछ लेना, बता दूंगा। लेट्स जस्ट जंप इनटू द पिक्चर क्वालिटी टेस्ट। दोस्तों, ये है पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट ऑफ सैमसंग CUE70 क्रिस्टल विजन 4K टीवी का। मैंने कलर्स को या फिर किसी भी पिक्चर की सेटिंग को डायनेमिक पर सेट करके रखा है, इको पे आती है पर मैंने डायनेमिक पर सेट किया है, एंड बिलीव मी दे हैव डन समथिंग गुड दिस विद दिस टीवी। कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे निकल के आ रहे हैं। सैमसंग का प्योर कलर नाम का कोई फीचर है जिसकी वजह से कलर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, 1 बिलियन कलर है जो भी वो बोलते हैं, वो तो ठीक है, बट ओवरऑल
द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस टीवी लुक्स अमेजिंग फॉर द प्राइस। मुझे ये टीवी करीबन 40,000 रुपये में मिला है और 40,000 रुपये के हिसाब से इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी 55 इंच के टीवी में बहुत अच्छी निकल के आ रही है। ऑब्वियसली मैं ब्लैक लेवल्स की भी बात करोगे तो बहुत लिट रूम है मेरा। मैंने यहाँ पे 120 वॉट की लाइट लगा रखी है, उसके बाद भी रूम में बहुत सारी लाइटें जली हुई हैं, उसके बावजूद भी रिफ्लेक्शन तो खैर कम है ही थोड़ा बहुत, लेकिन ब्लैक लेवल्स अच्छे दिख रहे हैं और इसमें HDR देखने में मजा आने वाला है। हम HDR के टेस्टिंग भी करके दिखाएंगे अपने को, नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो पर सब पर कंटेंट थोड़ा सा चला के दिखा दूंगा, पर यहाँ पे ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी इस टीवी की आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट 55 इंच टीवी जो इस रेंज में आ रही है। एक्चुअल में प्राइस का 42,000-44,000 रुपीज़ के आसपास रहने वाला है, लेकिन उसमें यूज़र इंटरफेस में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैमरा वाला, IoT सेंसर्स वगैरह मिलते हैं ना, कलर्स ग्रीन रेड कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस सब जो भी आप इमेजिन कर सकते हो पिक्चर क्वालिटी के टेस्ट में बहुत सही दिख रहा है। इस सीन को देख लीजिए, जैसे कॉर्नर्स में थोड़ा सा हमें डार्क दिखाना था, बीच में डिटेलिंग देखोगे कार जा रही है तो वो कार की डिटेलिंग दिख रही है, सड़क पे कोई खड्डा है बीच में तो वो खड्डा भी दिख रहा है। इस सीन को देखोगे लावा का जो कलर है वो प्रॉपर निखर के आ रहा है। आई थिंक द कलर्स आर वेरी गुड, और ऐसा भी निकला कि आपके चेहरे पर फेंक के मार रहे हैं कलर्स, नहीं, दे आर जस्ट टच करके परफेक्ट। जैसा कि मैंने CUE 60 में देखा था जो इसका रिव्यू किया था 43 इंच 4K वाले में, उसमें थोड़े से शटल थे, थोड़े से कम थे, इसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। डायनेमिक मोड पे चलाओ, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस टीवी। पिक्चर क्वालिटी में आराम से 9.9 में भी 10 दे सकता हूँ मैं इस प्राइस रेंज के हिसाब से इस टीवी को फॉर श्योर। लेट्स चेक द ऑडियो क्वालिटी ऑफ दिस टीवी। एक अच्छे ब्रांड का आप टीवी लेते हो, सोनी सैमसंग एलजी, इनकी एक आदत रहती है ये कभी भी अपने टीवीज़ को डिस्टॉर्ट नहीं होने देते हैं। 20 वॉट का स्पीकर इसमें दिए गए हैं लेकिन फिर भी बिल्कुल भी आपको डिस्टॉर्शन सुनाई नहीं दे रहा है फॉर श्योर। एकदम अच्छी ऑडियो आ रही है, हाई बेस पे मतलब हाई वॉल्यूम्स पर भी डिस्टॉर्शन 100 तक नहीं आ गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाउड नहीं जाने दे रहे टीवी को। जितनी नीड है ना एक बड़े रूम के लिए आराम से सबको सुनाई दे, उतनी ही आवाज़ जा रही है। बहुत ज़्यादा लाउडनेस आप इस टीवी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, चाहिए भी नहीं यार। जो हम नॉर्मल 90% 95% ऑफ द टाइम जो देख रहे हैं कंटेंट, उसमें हम एक नॉर्मल आवाज़ सुनते हैं नॉर्मल वॉल्यूम के साथ में, उतनी बस अच्छी है। हाई वॉल्यूम से भी लो वॉल्यूम से भी उतनी दे रखी है, परफेक्ट ऑडियो है। 10 में से 9.6-9.7 मैं इजीली इस टीवी को दे दूंगा इन द ऑडियो डिपार्टमेंट। तो ओवरऑल वीडियो एंड ऑडियो अच्छी है, लेट्स चेक थोड़ा सा HDR कंटेंट इन नेटफ्लिक्स। दोस्तों पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट मैंने आपको दिखा दिया, बहुत ही शानदार इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी है। लेट्स चेक समथिंग इन HDR, तो थोड़ा सा और आइडिया लगे। जैसे ये हार्ट स्टॉपर नाम की कोई मूवी है, इसको प्ले करते हैं। एंड वी आर नॉट सीकिंग एनी कॉपीराइट स्ट्राइक, इट्स जस्ट अ डेमो फॉर द टीवी, सो प्लीज इफ द ओनर ऑफ दिस मूवी इज वॉचिंग प्लीज इग्नोर अस, दिस इज जस्ट फॉर द टीवी एंड प्लीज जस्ट स्टॉप। आई थिंक कोई मूवी है दो दोस्तों के पीछे या फिर दो कपल के पीछे, पता नहीं, बट हाँ HDR एक्सपीरियंस विल लुक नाइस। जो मैंने देखा है इसमें काफ़ी देर से देख रहा हूँ एंड कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं। लेट्स प्ले समथिंग एल्स, कुछ और चला के देखते हैं इसमें कि क्या सीन आता है एंड विल गेट अ बेटर एक्सपीरियंस इन समथिंग एल्स। ये चोर निकल के भागा मूवी भी HDR में अवेलेबल है इन दिस नेटफ्लिक्स, इसको प्ले करते हैं। अमी गौतम की मूवी है ऑब्वियसली, इसमें डार्क सीन्स ब्राइट सीन, मतलब कुल मिला के सैमसंग की ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड डार्क सीन्स भी अच्छे दिखेंगे, ब्राइट सीन्स भी अच्छे दिखेंगे, कलर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड जो इनकी जो जजर रिजेक्शन वाली टेक्नोलॉजी है सैमसंग की वो भी बहुत अच्छी होने वाली है एंड यू विल हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ये बहुत ज़्यादा डार्क सीन्स हैं एंड देखना भी मैं थोड़ा सा कम लो लाइट वाला सीन चलाऊंगा, डार्कर सीन है बट स्टिल यू आर सीइंग द डिटेलिंग एंड एवरीथिंग, ब्लू लाइट पीछे जो दिख रही है। आई थिंक यू विल हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन HDR ऑल्सो। मेरे हिसाब से 40,000-42,000 रुपये में भी ये 55 इंच का टीवी मजा कर देगा एंड आई थिंक
I believe you cannot have a better experience than this in a 55-inch TV. Overall, baat karo user interface and smart things and Samsung TV Plus and the IoT hub, light sensor, slim fit camera and everything ko milakar. This is the best TV I think you can get in this price. Let's get back to the camera now. I hope आपको पूरा का पूरा टीवी का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा. Samsung का एक क्रिस्टल विजन जिसको एक फैंसी नाम दे दिया है, बेसिकली ये CUE 70 है, ये लायक है कि नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल वर्थ इट है और लेने लायक टीवी है. 40-42 हज़ार रुपये में 55 इंच का टीवी, जस्ट गो फॉर इट. 43 इंच 4K का प्राइस भी इन्होंने 31-32 के आसपास रखा है, वो भी ठीक है, क्योंकि CUE 60 भी आपको 30-31 का मिल रहा है. 1,000-2,000 रुपये एक्स्ट्रा देके CUE 70 लो एंड गेट दिस रिमोट विद बेटर पिक्चर क्वालिटी एंड IoT सेंसर सिंथेस. जस्ट गो फॉर CUE 70. CUE 60 लेने का कोई आप मतलब नहीं बैठता है अगर वो 2-4 हज़ार रुपये सस्ता ना मिल रहा हो. बाकी और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. जब भी आप टीवी खरीदें, हम लाइव भी करते रहते हैं और उसकी अनबॉक्सिंग भी हम करते रहते हैं. रिसेंटली मैंने इन्फिनिक्स के QLED और एसर के QLED की वीडियो भी डाली थी, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बस फटाफट से एक लाइक and subscribe and watch other videos also or on our channel. Thank you very much. Bye bye.